वहीं संकट पहुंचे बम ब्लास्ट और कैंट स्टेशन बम ब्लास्ट के आरोप में पकड़े गए वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुना दी गई है। साल 2006 में हुए सीरिया बम ब्लास्ट में 18 लोगों की जान चली गई थी और 50 से अधिक घायल हो गए थे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए इसे मृत्युदंड की सजा दी। कोर्ट ने किया आतंक के सबूले का हिसाब, आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा, एक मामले में उम्र कैद की सजा। वाराणसी में साल 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शनिवार को ही वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था। वाराणसी में हुए बम ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हुए थे। सभी लोग इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने भी आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त वलीउल्लाह मानवीय संवेदनाहीन व्यक्ति है और ये किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं है। इसे विरल, ये घटना जो की गई है ये विरलतम से विरलतम श्रेणी की है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए इसे मृत्युदंड की सजा दी। आपको बता दें कि 7 मार्च 2006 को सीरियल ब्लास्ट हुए जिसमें संकट मोचन मंदिर में शाम 6:15 पर हुए बम ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। दूसरा धमाका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और 50 लोग घायल हुए। काशी में हुए ब्लास्ट से यहां के वकीलों में भी काफी गुस्सा था। वकीलों ने 2006 में ही आतंक के सपोले वलीउल्लाह की पैरवी करने से मना कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर 24 दिसंबर 2006 को ये मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था और आज कोर्ट ने आतंक के गुनाह का फाइनल हिसाब किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।